और फिर वो कहता है कि हम आपको इतनी मार मारेंगे कि आपको घर वाले खाट पे डेड बॉडी लाश लेकर के जाएंगे, चाहे हमें गोलियां खानी पड़ो, इस समाज के लिए जान तक देनी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं है। किसी माई के लाल में कोई हिम्मत नहीं है, हम शहीद हो जाएंगे। एक शहीद होता है बॉर्डर के ऊपर जाकर, और हम समाज के लिए शहीद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। गोली मरवानी है मरवा दे सीने में हमारे, और जो भी बलवान फौजी के मरवा दे, और जो जो क्रांतिकारी भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनको, किसी भी सूरत में हम दबने वाले नहीं है। ये मेरे पास कल सुबह 10:15 बजे एक मिस कॉल आती है, और थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद कॉल आता है, और वो ये कहता है कि भाई आप लोकसभा चुनाव लड़ोगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैंने कहा भाई कौन हो आप? जब बोला हम गुंडाराज हैं और हम महेंद्रगढ़ आएंगे और आ करके आपकी लोकसभा में मदद करेंगे। तो मैं बोले अग भाई मैं तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। तो उन्होंने फिर फोन कट कर दिया। मैं आगे बोलता रहा कि भाई मैं कुछ दो शब्द और आगे आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर कॉल आता है, फिर उसने ये कहा कि बोला आपको उसने गाली दे करके बात की थी कि आपका ऐसा हालत कर देंगे कि आप ना चुनाव लड़ने लायक रहोगे और एक भी वोट नहीं लेने देंगे। तो ऐसा उन्होंने मतलब खूब अपनी भड़ास निकाली है कि भाई आपकी लोकप्रियता है, हम ये कर देंगे, मतलब गाली गलौच के साथ, आपने देखा भी है वो। तो फिर कटने के बाद फिर एक बार फिर फोन आता है, और फिर वो कहता है कि हम आपको इतनी मार मारेंगे कि आपको घर वाले खाट पे डेड बॉडी लाश लेकर के जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई मैंने मेरे को क्यों मारोगे ऐसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने हिसाब से, हमारा गुंडाराज है और गुंडाराज के हिसाब से हम चलते हैं, हमें कोई वो नहीं कर सकता। फिर उसके बीच में कुछ गालियां, माँ बहन बेटी की, तुम्हारा घर परिवार ये कर देंगे वो कर देंगे, और चुनाव में तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे तुम्हें कोई मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, ऐसे करके कई प्रकार के ड्रामे क्रिएट किए उसने। फिर उसके बाद मैं वो फ़ोन नंबर लेकर के SHO साहब के पास आया कल, तो SHO साहब ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद SHO साहब ने बताया कि ये राजस्थान का कोई नंबर है, तुरंत उसकी डिटेल निकाली। मैंने जो छोटी मोटी जो फ़ोन ऊपर नीचे होकर के रिकॉर्डिंग हो सकती थी वो की, और वो SHO साहब को पेश की है। पेश करने के बाद SHO ने तुरंत वो करके और आगे नंबर राजस्थान का बताया, लेकिन उस टाइम फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ आने के बाद फोन का ऐसा उसके बाद मेरे ख्याल से ओपन नहीं हुआ, ना मैंने कॉल करके देखा है। अभी हम थाने में आए हैं और एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें जो जान से मारने की धमकी आई है, और 25 फरवरी का मैंने जन्मदिन मनाया था, उसमें जो हजारों की संख्या में लोगों ने आकर के प्यार दिया है, जो सपोर्ट दिया है, उसको भयभीत होकर के कहीं ना कहीं ये या तो विपक्ष की चाल हो सकती है। और जैसे नफे सिंह राठी जी का मामला था, वो भी राजस्थान से ही कॉल आई थी, और वो भी इनेलो के पूर्व नेता थे, मैंने भी इनेलो से पूर्व का लोकसभा चुनाव लड़ा हुआ है, तो मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा कि भाई क्या मामला है। ना मेरी उस नंबर से आज तक बात हुई है, ना मेरी उस टाइप की आवाज़ से आज तक बात हुई है, ना मैं उसको जानता हूँ। और एक छोटी सी फोटो दिखाई गई है जिसमें वो ट्रू कॉलर के माध्यम से निकलती है, तो वो मैं फोटो आपको दिखाता हूँ कि क्या है वो, मतलब जो धमकी देने वाला ये बंदा है। तो इस बंदे का इस बंदे से मतलब सिर्फ उस ट्रू कॉलर में जो उस नंबर पे DP लगी हुई है उससे ये निकाली गई है। और अभी हम SHO साहब को, पुलिस अधीक्षक को, DGP हरियाणा को और अनिल विज जी को ये बाई मेल भी किया है, और अभी हार्ड कॉपी यहाँ पर SHO साहब को देके रिसीविंग लेकर के, और सुरक्षा की भी मांग की है कि पुलिस सुरक्षा दी जाए, और मेरे को एक लाइसेंस भी दिया जाए हथियार का, क्योंकि अभी तक जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, कल ना जब साथ रहता है तो आदमी के पास एक पावर रहती है, और मैं फौजी आदमी भी हूँ, और कुछ चलाने की एक्टिविटी सारी चीज़ें हम जानते हैं, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट लाइसेंस की है, उसकी भी हमने उसमें डिमांड की है। जिस तरह से आपने कहा है कि इसमें विपक्ष की भूमिका लगती है, तो क्यों लगता है आपको कि इसमें विपक्ष की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? क्योंकि उस बंदे ने और कोई बात नहीं की, आपकी लोकसभा में मदद करेंगे ये कहा, तो मैंने कहा कि लोकसभा का तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा मैं। जब उसने ये कहा कि उसको किसी ने, जिसने भी बताया होगा, किसी भी व्यक्ति ने, तो उसने ये कहा है कि
भाई ये चुनाव लड़ेगा तो वो लोकसभा समझ रहा था, आने वाला टाइम लोकसभा का है नजदीक, तो मैंने मना कर दिया। तो उसने फोन काट के मेरे ख्याल से उस बंदे से पूछा कि ये तो मना कर रहा है लोकसभा, फिर उसने बताया होगा कि ये तो विधानसभा, तो उसके बाद उसने वो दूसरी प्रक्रिया शुरू कर दी। दूसरी बात, मेरे और किसी प्रकार का किसी से दुश्मनी नहीं है, राजनीति रूप की वो सारी बातें कर रहा है, लास्ट मोमेंट तक और फर्स्ट से लेकर के उसने सिर्फ चुनावों की बात की थी, आपको एक वोट नहीं लेने देंगे, आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे, आपको मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, तो और इस प्रकार की हम राजनीति क्या समझे। क्योंकि एक लोकल में आज की तारीख में महेंद्रगढ़ में एक फौज का सिपाही और नॉर्मल व्यक्ति, किसान का बेटा, एक पहली बार कोई बढ़िया ढंग से तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है जो आज तक 45 साल में ये होता आया है कि जो भी नेता बोलना चाहे, अपने लोकल उठना चाहो, इन्होंने ड्रा करके पैसे से धमका करके किसी तरह से भी बैठाने की कोशिश की है, लेकिन मैं फौज में शहीद नहीं हुआ, मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं महेंद्रगढ़ के लिए शहीद हूँ, और जो गोली मारने वाला, धमकी मारने वाला भाई है, वो मैं भाई सीना चौड़ा करके रखता हूँ, आप जब आओ, जहां बुलाओ, मैं आ जाऊंगा, वहां मरने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं शहीद हो सकता हूँ लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। आपने कहा कि इन्होंने पहले भी ड्रा धमका करके जो कोई भी नया नेता मैदान में आया था तो उसको बिठाने को, तो इन्होंने किन्होंने क्या कहना क्या चाहते हैं? यही 45 साल से जो राज कर रहे हैं इन्होंने, क्योंकि आज तक वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, और वो दूसरा मामला, आप समझदार है सारी चीजें, क्योंकि अभी तक जब तक हमारे सामने नाम क्लियर नहीं आ जाए हम किसी का नाम नहीं ले सकते। तो आपने मतलब प्रशासन से मांग करी है इसकी? हाँ, मैंने सुरक्षा, मेरी जो पुलिस सुरक्षा के लिए और गन का लाइसेंस के लिए। धन्यवाद। मामला ये है जी, कल बलवान फौजी जी हैं हमारे, जो सामाजिक स्तर पे अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं, इनके पास फोन कॉल आती है, इनको धमकियां मिलती हैं, तो पूरा हमारा सामाजिक संगठन और पूरी महेंद्रगढ़ के जो भी संगठन है, हम इसके पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरीके से हमारे सामाजिक और क्रांतिकारी विचारों को दबाया नहीं जा सकता, चाहे हमें गोलियां खानी पड़ो, इस समाज के लिए जान तक देनी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं है, किसी माई के लाल में कोई हिम्मत नहीं है, हम शहीद हो जाएंगे। एक शहीद होता है बॉर्डर के ऊपर जाकर, और हम समाज के लिए शहीद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हमारा जो दिल की भावनाएं समाज के प्रति जुड़ी हुई है, सामाजिक स्तर पर हम काम कर रहे हैं, उनको कोई दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरीके के प्रवृत्ति के लोग अब इन हमारे विचारों को दबाना चाहते हैं कि आगे सामाजिक स्तर पर काम ना करें, ये आगे ना आए, इनको पहले ही दबा दिया जाए, परंतु अब दबाने का तो कोई मतलब नहीं, जिसको गोली मरवानी है मरवा दे सीने में हमारे, और जो भी बलवान फौजी के मरवा दे, और जो जो क्रांतिकारी भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनको, किसी भी सूरत में हम दबने वाले नहीं है, किसी माइक के लाल में हिम्मत नहीं है हमारी तरफ कोई आंख उठा के भी देख सके, क्योंकि हमने गलत नहीं कर रहे, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जो भगवान ने हमें भेजा है उसका ता उम्र जब तक सांस रहेगी हम निभाते रहेंगे, ये हमें कोई दबाव में लाने की कोशिश किसी भी प्रकार की ना की जाए। स्ट्रेचर पर, चारपाई पर ले जाने की बात कर रहे थे, चारपाई पर तो ऐसी जी धमकी दी गई है, चारपाई पे ले जाएंगे इन लोगों को, ऐसे फौजी साहब को, इनको धमकी मिली है कि आपके साथ बहुत ही गलत हो जाएगा, तो हम इसका विरोध करते हैं भाई, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, पूरा समाज इनके साथ खड़ा है, ऐसी धमकी नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो अपने विचार हर आदमी सामाजिक स्तर पर रख सकता है, समाज के प्रति अच्छा बेहतरीन काम कर सकता है, तो इनका हम पूरा विरोध करते हैं, इस तरीके का जो फोन करते हैं, धमकियां देते हैं, इनके पूरा समाज भर्त्सना करता है।